बहुत बहुत बधाई। अब क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर इसमें कुछ दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी व्हाट्सएप आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है सर। आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पर मुलाकात हुआ। आपने स्पेशली समय निकाला, आपका बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी संडे को तो दिन ऐसा रहता है कि संडे आपको ढेर सारे लोगों को मिलना होता है, ढेर सारे आपके अपॉइंटमेंट्स रहते हैं। और संडे एक ऐसा दिन रहता है कि क्योंकि आपने MBRT क्वालिफाई किया है, इस वजह से आपके पास ढेर सारे कस्टमर भी रहते हैं। और स्पेशली समय निकाल के संडे को यहाँ पर आना और आपके जो ब्रांच 126 के बाकी के कुछ एक साथी हैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आपके लिए आपने इसके लिए स्पेशल समय निकाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आपके सभी अपने साथियों को बोलूंगा कि जो निरंतरता रखी मैंने मैंने सर जिस दिन मैं अपनी पूरी जर्नी बताता हूँ, मतलब आपने देखा जाए तो मैं पहले जीरो था सर, और ब्रांच में मेरे को लोग जीरो एजेंट के नाम से जानते थे। आज जो जीरो से हीरो बनने की कहानी आपको बताऊंगा सर। 28 दिसंबर मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, 28 दिसंबर 2019 को मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को बोला कि रावत जी मैं 1 जनवरी 2020 से यहाँ नहीं आऊंगा, और उसके लिए मेरे को जो मोटिवेशन दिया था मेरे पूर्व सर जो PK सोनी बहुत बढ़िया थे, लेकिन वो मुझसे कहते थे कि आप वो काम भी करो और ये भी करो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। कस्टमर अपॉइंटमेंट देता था संडे 2 बजे की और मैं वहां होता था तो कस्टमर कहेगा जब तुम बीमा करने ही नहीं आए तो तुम सर्विस क्या दोगे। जोशी जी ने मेरे को मोटिवेशन दिया, भट्टी तुम कर सकते हो, उन्होंने कहा यू कैन डू, तो उनकी यू कैन डू मेरी आई कैन बन गई। और फिर मैं हमेशा कहते रहा कि यस माई आई कैन इज, अगर हम टारगेट फिक्स नहीं करेंगे हम सब ऐसे ही भटकते रह जाएंगे, बॉल इधर उधर जाती रहेगी, इसलिए टारगेट फिक्स करिए। मैं कह रहा हूँ MBRT हम लोग TOT भी बोलते हैं, COT भी बोलते हैं। जब मैंने MBRT क्वालिफाई कर लिया मैंने तब उसके बाद COT का मतलब पूछा अपने सर से, तो मुझे पता लगा COT भी MBRT होता है, लेकिन वो ट्रिपल टाइम MBRT होता है, जितना MBRT करते हैं उसका 3 गुना और जो TOT है वो 6 गुना। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा सर मैं कर सकता हूँ। आप लोग अपने मन से बोलो कि मैं कर सकता हूँ। मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, एक रजिस्टर है जिसमें मैंने बेस्ट ऑफ लक फॉर माई सेल्फ लिखा था, वो 2019 में। देखिए आप गिर के संभलोगे, गिरोगे भी, बेस्ट ऑफ लक फॉर माई सेल्फ MBRT 2019 में लिखा है, 2030 के लिए लिखा था लेकिन मैं नहीं कर पाया था। मैं भी गिरा हूं, मैं भी असफल हुआ हूं, हर असफलता के पीछे सफलता की कहानी जुड़ी हुई है, ठीक है। आप रेगुलर, अब मैं अपने खंडल सर सुनते होंगे मेरे को क्योंकि मैं उनकी टेबल के पीछे से बोलता हूँ, और मैं आपको बता दूं मेरे फादर कान कम सुनते थे तो मेरी सिस्टर बोलती थी धीरे से तो उनको रिपीट करता था, तो इसलिए मेरे को जोर से बोलने की आदत पड़ी हुई है। कई बार मेरे को भराड़िया सर टोकते हैं कि बच्ची यार धीरे बोलो, फिर मैं ऊपर छत में जाके, आप यकीन करोगे मैं 1.5-2 घंटे ऑफिस की छत से कॉलिंग करता हूँ, ऑफिस की छत से, इतना बड़ा छत मिला है, जितनी जोर से बोल लो आप ऑफिस में, जोर से बोलोगे तो डिस्टर्बेंस होगी छत से। मैं जिस दिन मैं ऑफिस आता हूँ उस दिन 2 घंटे कॉलिंग जरूर करता हूँ। और सर को कभी आप लोगों में से कोई जोशी सर की टेबल पर बैठे या नहीं बैठे, मैं खंडल सर की टेबल पर बैठ जाता हूँ सर, कुछ बताइए, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज आपसे मैं जो बोल रहा हूँ मैंने आपसे आधे घंटे में हो सकता है 30 बातें बोलूं 50 बातें बोलूं, लेकिन अगर आप एक भी बात बैठा लोगे ना मन में, सिर्फ कंटिन्यूटी वाली बात बैठा लीजिए, मुझे लग रहा है जो मैं निरंतरता वाली बात बोल रहा हूँ वो सबसे अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ। आप डेली काम करो, खंडल सर मेरे को सुनते हैं, मैं अपने कस्टमरों को बोलता हूँ सर मैं तो आप अपने घर बुला लीजिए, आपसे कुछ लेके नहीं जाऊंगा, मुझे बीमा समझाने के 100 रुपए मिलते हैं, ये बोलता हूँ सर मैं कहता हूँ कि मेरे को बेसिक सैलरी मिलती है, आप सबको मालूम है हम लोगों को बेसिक सैलरी नहीं मिलती है। मैं अपने कस्टमर से कहता हूँ सर 60 बीमे मुझे समझाने होते हैं महीने के, उसके मुझे 6,000 रुपए बेसिक सैलरी मिलती है। ऐसा जब मैं कम से कम 200 लोगों को बोलता हूँ सर तब जाके 30 लोग बुलाते हैं, सिर्फ इस वजह से बुलाते हैं चलिए यार इसको 100 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन जब मैं उन 30 लोगों के यहाँ जाता हूँ ना, अब मेरी मंथली सेल एवरेज सर 10 बीमे एवरेज हर महीने आने लगी है। और इस बार मैंने अपने ब्रांच मैनेजर को बोला कि डबल सेंचुरी मारूंगा,
आप लोग अपनी नेशनल लीडर मस्त होकर काम करिए, मजे होकर फील्ड में जाइए, और मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जिसको अगर इंश्योरेंस के काम में मजा नहीं आ रहा है, आपको पता है हमारा काम बहुत मजे का है, क्या है, आप जिस ऑटो में जा रहे हो उस ऑटो वाले से ही बात करने लग जाओ, भाई साहब आप बीमा करवाना, आपने बीमा करवा रखा है तो आप उसे चालू जरूर रखिए, उसका नंबर ले लो, उसके बाद उसे फॉलो करो। आप जिस सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हो, आप अगर मेरे से कहोगे मेरे बीमे की लिस्ट दिखाने को, तो मैं आपको मेरी बीमे की लिस्ट में सब्जी वाला भी है, ऑटो भी वाला भी है, नाई भी है, राशन वाला भी है, दूध वाला भी है। हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, पुराने टाइम में जब पैसे नहीं होते थे तो वस्तु विनिमय प्रथा होती थी, मैंने कॉमर्स पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ा था, वस्तु विनिमय प्रथा होती थी। तो उसमें जो धान उगाता था धान के बदले गेहूं वाले को देता था, तो गेहूं वाला उसको गेहूं के बदले धान देता था। तो आप लोग अपनी लाइफ में इसको लाइए, जिससे आप राशन खरीद रहे हो, आप विश्वास नहीं करोगे, जिस राशन वाले ने मुझसे बीमा नहीं करवाया मैंने उससे राशन लेना बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए किया कि मैं आपसे 17 साल से राशन ले रहा हूँ और अब मेरी रोजी रोटी सिर्फ बीमा है, आप मुझसे बीमा नहीं करवा रहे, उसको कह के बंद किया। दूसरे राशन वाले को ये बात बताई, सर मैंने वहां से इसलिए बंद किया, और उस राशन वाले ने मेरे से ये बात सुनते ही कम पता नहीं क्या सोच के बीमा कराया, 5 लाख की जीवन लाभ पॉलिसी करा ली। तो ये निरंतरता तो आपको जारी रखनी पड़ेगी। बाकी कुछ चीजें जो मैं पढ़ता हूँ किताबों में, उसमें एक चीज और है, एक उसे मैं शेयर के रूप में कहना चाहूंगा, और मैंने अपनी डायरी में लिखा भी है, इसको मैं रोज पढ़ता हूँ, ब्लू कलर की डायरी बैग से निकाल लाना, अभी मैं वो शेर आपको बोल देता हूँ लेकिन लिखा हुआ दिखाऊंगा, ब्लू कलर की डायरी है, उसमें लिखा है, तूने अल्फाजों की तासीर को कभी समझा ही नहीं, तूने अल्फाजों की तासीर को कभी समझा ही नहीं, नर्म शब्दों से पत्थर भी पिघल जाते। कभी कभी भी अपने कस्टमर को फुल टाइम हो, कस्टमर से उसको बताओ कि भाई मैं तुझे कुछ देने आया हूँ, देखिए हर पन्ने पे मेरा लिखा रहता है, कस्टमर को समझाता हूँ, तो मैं कस्टमर से कहता हूँ सर बीमा ये सोच के मत करवाइए कि हमें बैंक से क्या मिलेगा, मिलेगा तो सोचिए ही मत, बीमा ये सोच के कराइए कि भगवान ना करे अगर आज मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। क्या आप लोग समझ गए, आपने पॉइंट पकड़ा कि भगवान ना करे आज मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और भगवान करे कि मैं लंबा बच जाऊं 70-75 साल तो मेरा क्या होगा, भगवान ना करे मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग आज की डेट में हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और भगवान करे कि मैं लंबा बच जाऊं 70-75-80 साल तो मेरा क्या होगा। जिन जिन हाथों ने यूं देना सीखा हो वो क्या अपने बच्चों से बुढ़ापे में मांगेगा, नहीं मांगेगा ना सर, कस्टमर सोचने को मजबूर हो जाता है। और मैं अगर महीने की 60 डेमो देता हूँ तो 60 डेमो में से अब मेरा रेशो 10 का तो आ ही रहा है, हर महीने मेरी 10 सेल क्लोज होती है। इस महीने भी मैं 16 तारीख को ऑफिस आया हूँ और मैंने 7 बीमे जमा कराए हैं, कोशिश मेरी 11 बीमे जमा कराने की थी, 7 जमा कराए हैं, और अभी मेरी फाइनेंशियल ईयर में नंबर ऑफ पॉलिसी सर 80 पहुंची है, अभी 80 पहुंची है, मेरे पास 2 महीने का टाइम है और मैंने अपना टारगेट डबल सेंचुरी का फिक्स कर रखा है। अब मैं MDRT के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, अब मैं सीधे COT के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में अपनी जो नंबर ऑफ पॉलिसी है वो मैंने 200 कर ली है। हम छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे। कल मेरे को बहुत दुख हो रहा था, कल एक इंसेंटिव लगा हुआ था ऑफिस में, एक कंपटीशन था, 4 पॉलिसी पे जूसर मिक्सर का था, और आप यकीन नहीं करोगे उसके लिए मैं अभी तक मेहनत कर रहा हूँ और हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं होगा, मेरे को अभी जाना है पंत हॉस्पिटल में डेमोस्ट्रेशन के लिए जाना है, मिस्टर जोशी का फोन मैसेज आया है कि हम ऑफिस खोलेंगे BOC काटने के लिए, हो सकता है वो जूसर मिक्सर में कर लूं, वो भी मेरे जमा हो चुके हैं, 2 और निकालने जाना है। आप घर से निकलो तो बहुत 365 दिन बहुत होते हैं सर, 365 दिन बहुत होते हैं। अगर हम घर से, मैं तो सोच रहा हूँ कि भगवान ने चाहा तो आने वाले दिन में मेरे साल के 365 बीमे भी निकलेंगे। आप घर से ये सोच के निकलो कि मुझे तो एक बीमा करना ही करना है, जब आप रात को बिस्तर पे सो तो अपने आप से सवाल करिए। लास्ट ईयर मेरी बेटी का 10वीं का एग्जाम था, मैं उससे ये बोलता था बेटा नंबर तेरे कैसे ही आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अगर मैं MDRT नहीं कर पाता ना तो मुझे तब दुख नहीं होता कि मैंने मेहनत की थी, लेकिन अगर मैंने मेहनत नहीं की होती ना तो जरूर मुझे दुख होता कि यार मेरा MDRT इस वजह से रह गया। बाकी सर और अभी समझ में नहीं आ रहा, ये जर्नी बड़ी बहुत मुश्किल वाली रही थी, लेकिन मैंने मजे होके काम किया। मैं बाइक भी चलाता था तो बाइक पे भी
अच्छे गाने, मतलब बाइक चलाते चलाते भी सब एक्टिव रहो, गाने अच्छा है। जैसे मैं बाइक चलाते चलाते खुद ये गाना गाते हुए चलता था, जीवन चलने का ना चलते रहो सुबह शाम। रुकना तो है ही नहीं हमने, क्यों रुके, हम भी कुछ करके आए। मैंने एक बार चेतन भगत का या किसी और का इंटरव्यू के बारे में कोई बता रहा था कि उनके पापा कहते थे, वो उनके घर में टीवी नहीं था, शायद चेतन भगत जी थे, उनके घर में टीवी नहीं था, वो पड़ोस में टीवी देखने जा रहे थे। उनके पापा ने उनसे बोला कि बेटा दूसरे के घर में तीसरे को देखने जा रहे हो, क्यों तो ना तुम खुद ऐसे बनो कि लोग तुम्हें देखें। तो अपने ऑफिस में मैं 2007 से एजेंट हूँ, सही बताऊँ आपको, और सबके लिए तालियां बजाता था। तो लेकिन जब मैंने काम छोड़ा तो मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। अब हर मीटिंग में लोग जब मेरे लिए तालियां बजाते हैं ना तो बड़ी खुश होती है। ये ट्रॉफियां कुछ नहीं है, लेकिन जब ये ट्रॉफी मिलती है ना तो बहुत प्राउड होता है। देख रहे हैं आप ये ट्रॉफी, और जब ये ट्रॉफी मिलती है तो बहुत प्राउड होता है घर में। इससे हमारे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, अगर किसी के छोटे बच्चे हैं उन्हें लगता है पापा ट्रॉफी जीत के लाए हैं, मैं जीतूंगा ये ट्रॉफी, पापा ट्रॉफी जीत के लाए हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले इकट्ठे कुछ गिफ्ट मिले तो बच्चे बड़े खुश हो गए, पापा इतने एक साथ गिफ्ट मिला। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं फील्ड में भी जीता, ऑफिस नहीं जा पा रहा था। ये देखिए ये चांदी का सिक्का मिला, ये चांदी का सिक्का मात्र 10 ग्राम का चांदी का सिक्का नहीं है, ये मेरा प्राउड है, ये मुझे मंच पे सम्मानित करके सबके सामने दिया गया और लोगों ने तालियां बजाई हैं। तो आप लोग भी आज ही सोचिए, इस मीटिंग के बाद ही सोचिए कि हमने करना ही करना है यार। आज संडे है, आप निकल जाइए, संडे का दिन हमारा बहुत प्रोस्पेक्टिव डे होता है। आप मानोगे नहीं, मैंने अपने बॉस से, हालांकि मेरे बॉस को मालूम है कि यार ये सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, पड़ेगा आपको, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता आपको। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मोटिवेट नहीं कर सकता, सोनू शर्मा की स्पीच मोटिवेट नहीं कर सकती। आपके आत्मा से आवाज आनी चाहिए, आपके आत्मा से आवाज आनी चाहिए। इतने जितने भी एजेंट मेरे को सुन रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ वो सब एजेंट आज ये बोल मन में ये सोच लें कि यार अगले साल ये स्पीच मैं दूसरे डेवलपमेंट ऑफिसर के लड़कों को दूंगा, और वो बच्चा जो ये मन में सोच लेगा ना, मैं 100% कह रहा हूँ नेक्स्ट ईयर 2022 जनवरी में वो MDRT होगा और वो दूसरे डेवलपमेंट एजेंट पे उनको मोटिवेट कर रहा होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भट्ट साहब, आपने तो बहुत ही बढ़िया बातें बताई। आपने अपनी जो जीवन की सच्चाई है वो बताई कि MDRT किस तरीके से आपने किया, और आपकी जो मेहनत है वो सामने नजर आती है। बहुत बढ़िया, आपकी जो संडे के दिन, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्टिव दिन है, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला, स्पेशली आपकी टीम के साथी जो इतने सारे जो कि इस समय जूम पर आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली आपने समय निकाला, उनकी तरफ से आप सभी का, आपका जो भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर और दो दो बातें और ऐड करूंगा सर, लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उन लोगों को मैं जिंदगी में, अगर मैं कभी चोटी बना उन लोगों को मैं कभी भूलूंगा नहीं, बल्कि एक को तो मैंने फोन पे लिख के दे दिया। मैं जा रहा था साथ में यहाँ से 16 दिसंबर को, उसके साथ ही जा रहा था, मेरा फ्रेंड है, उसका भी मैंने इंदौर फॉर्म भेज के, इंदौर में आया 55 लाख का पैकेज दे रहा है वो, 55 लाख का इफेक्टिव में। ठीक है, जब उसने अपने बीमों की लिस्ट भेजी तो 2.5 करोड़ का बीमा था जोशी सर ने कहा, उसने मेरे को बीमा गिफ्ट कर दिया। लेकिन उस बंदे ने ना मेरे को गाड़ी में, जब हम साथ साथ अपने होम टाउन करते, उसने बोला केसी, मेरा निक नेम केसी है, मतलब प्यार से मेरे को केसी बोलते हैं बचपन के दोस्त, कहता केसी तू बनाई इस काम के लिए यार। तो मैंने उसको 4 दिन बाद थैंक्स बोला। तो आप लोग कभी भी ना एक शुक्रिया अदा करना और सीखे सब लोग, मतलब हर किसी को थैंक्स बोले। अगर सब्जी वाला भी आपको सब्जी दे रहा है ना, उसको आप पैसे दे रहे, तो उसके बाद भी उसको थैंक यू बोलो, और उससे बीमे की बात जरूर करें सर। ये जिससे सब्जी खरीदते हैं उससे भी बीमे की बात करें, जरूर बीमा आएगा। मैं आपको देखना सर, एक हफ्ते के अंदर सब्जी वाले का बीमा ला के दिखाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भट्ट साहब, बहुत ही शानदार बातें आपने बताई, बहुत अच्छा लगा, सभी साथियों को बहुत अच्छा लगा। आप में से कोई साथी कुछ पूछना चाहेंगे भट्ट साहब से? भट्ट साहब ने इतनी शानदार बातें बताई, किस तरीके से अपना लोगों को अप्रोच करते हैं, हर किसी को बात करते हैं। आप में से जो भी साथी बात करना चाहें अपना माइक ऑन करके, उसके बाद भट्ट साहब से आप बात कर सकते हैं। हाँ जी भट्ट साहब नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया बताया, इतना बहुत अच्छी जानकारी दी, पूरा दिल खोल के जानकारी दी, कुछ भी आपने वो नहीं रखा। नहीं थैंक यू, मैं भी आपको बोलूंगा, आपने इतने ध्यान से सुना मेरे को, और भगवान ने हमें, वैसे मैं बोला ज्यादा हूँ लेकिन भगवान ने हमें एक मुंह और दो कान इसलिए दिए कि हम सुने ज्यादा और बोले कम, इसलिए पहला धन्यवाद मेरी तरफ से आपको है कि आपने सुना ज्यादा। ठीक सर, बोलिए, पूछिए, कुछ भी पूछना है आप पूछिए, और ब्रांच में भी पूछ सकते हो आप।
जी सर, ये पूछना था आपसे कि जो आपका ये रहता है कि भाई कहीं पे जाते हैं, जैसे ग्रुप में वो करते हैं प्रेजेंटेशन देते हैं, डेमो देते हैं, वो किस तरह से आपका रहता है? देखिए, कुछ भी में तो ऐसे होते हैं कि वो मतलब हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो मैं बताऊं, फील्ड में बिल्कुल सही, मतलब अलग अलग आपको ना शॉट तो आपको अपना इजहार करना पड़ेगा। देखिए जो आपने पूछा उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। जैसे अगर कोई वीरेंद्र सहवाग को बोले कि द्रविड़ की तरह खेल तो वो नहीं खेल पाएगा, अगर आप सोचे। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, उसमें से अगर एक चीज भी आप अपना शॉट इजहार कर लो। मैं देखता था कि कहीं पे मैं पैर से गया, मेरे एक अनिल बंसल है, लास्ट के 2-3 दिन बचे थे, मेरा बीमा कंप्लीट हो गया था, तो मुझे लगा कम ना हो जाए। तो अनिल बंसल जी ने कहा, भंडिया किस दिन था, 29 जनवरी का दिन था, उन्होंने बोला ऐसे लोगों पे जाओ कि जो कहो उससे कि चाहिए ही चाहिए बीमा। तो कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ आप जो आपको प्यार करते हो और आपकी बात ना टालते हो, ठीक है। और दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं मेरे बीमे जो बिल्कुल मना करते हैं ना, LIC की बात मत करो, बिल्कुल LIC की बात मत करो। उनसे बोलो भाई साहब, मैं आपका बीमा कर ही नहीं रहा हूँ, बस आप मेरे को सुन सकते हो। अगर आप सुन सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जाइए। पहले तो हमारे उसमें ना, मैं बताऊं आपको, जो सबसे कठिन काम है वो डोर एंट्री लेने का है। किसी तरह हमें डोर एंट्री मिल जाए, उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है। अगर कस्टमर ने डोर एंट्री आपको दे दी, डोर एंट्री समझ रहे हो ना, अगर हमें, मैं सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा मेहनत मुझे डोर एंट्री लेने में करनी पड़ती है। 2-2 घंटे कॉल करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बिल्कुल बाद सर, अगर डोर एंट्री मिल जाए तो 50% आप जैसे जैसे खेलोगे ना, वैसे वैसे परिपक्व होते जाओगे आप। जैसे जैसे खेलोगे ना, वैसे वैसे परिपक्व होते जाओगे। मुझे नए नए शॉट सीखते चले गए कि किसका बीमा, मैं कस्टमर को भांप जाता हूँ कि इसका बीमा ऐसा आएगा। अभी मैंने एक कली रसीद दे के आया हूँ, राजशेखर मिस्त्री के नाम से सेव कर रखा है बीमा, तो बिल्कुल नाराज था वो, यार LIC करानी नहीं है, बिल्कुल नहीं करानी, मेरे पैसे डूब गए। मैंने 2 साल भरी, मैंने कहा सुनने को तैयार हो तो मैं बात करता हूँ, दुकान पे खड़े खड़े उसने सुना। और मैंने उसको 2 घंटे समझाया, जो मेरे मन में आया वो समझाया। आप सुनने को तो वो तैयार हो, पहले वो तैयार करना पड़ता है। 2 घंटे उसे समझाया, मैंने कहा आप कितना कमा लेते हो, बोला 800-900 रुपये रोज कमा लेता हूँ, मिस्त्री जी है वो। मैंने कहा मैं 500 रुपये मानता हूँ, बोला 500 रुपये मान लिया। 15,000 रुपये कमाते हो महीने का, बोला हाँ 15,000 कमाता हूँ, इससे ज्यादा ही कमाता हूँ। मैंने कहा कम से कम 15,000 मान लू, बोला 15। जैसे उसको समझाया था वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, लेकिन उसको समझाने में 2 घंटे लगे, आपको मैं 3 मिनट या 4 मिनट में समझा दूंगा शॉर्ट में। तो बोला हाँ 15,000 मान लो। मैंने कहा 1 साल के 1,80,000 रुपये हो गए, और ये मुझे सिखाया, किसी ने सिखाया जो मैं आपको सिखा रहा हूँ? बोला हाँ 1,80,000 हो गए। मैंने कहा 10 साल के 18 लाख हो गए, बोला हाँ 18 लाख हो गए। फिर मैंने अपनी ये डायरी निकाली, देखो आपके सामने नहीं लिखी है, ये डायरी में मैंने उसको कैसे बीमा समझाया ये दिखाता हूँ, पन्ना जल्दी निकल जाए। मैंने गलती करी थी यार, पहली बार इस तरह का वो दे रहा हूँ, मुझे तैयारी करके रखनी थी, वो पन्ना मोड़ के रखना था। मैंने उस पन्ने के उसी के सामने लिखा, तो मैं आपको बोल रहा था ना, उसी के सामने लिख के दिखाया, वो मिल नहीं रहा है आपको, टाइम नहीं होगा शायद। मैंने उससे कहा कि सर देखो ये मिल गया, मिल गया, ये देखिए पढ़िए, ये उसी के सामने लिखा है। मैंने ये लिख के दिखाया कि बीमा आप ये सोच के कराओ सर कि अगर आज की डेट में आपको कुछ हो जाता है ना, तो कम से कम 10 साल तक आपके बच्चों को आपकी कमी तो महसूस होगी, लेकिन आपकी वजह से परिवार किसकी वजह से चलता है वो बड़े चौड़े में कहता, मेरी वजह से चलता है। मैंने कहा सर आपकी वजह से नहीं चलता है, आपकी इनकम की वजह से चलता है, तो आप इनकम लेके आते हो उसे। हाँ ये तो बात सही है, आपने कस्टमर की हाँ कहलवाना सीखो। और ये मैंने सीखा है, मैंने ट्रेनिंग ली है, मतलब मैंने मैक्सिमम ट्रेनिंग ली है 750 रुपए की, उसके बाद लॉकडाउन ही हो गया था, ठीक है। और जो पढ़ोगे इन किताबों में, ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं किताबें लिख के, और इनकी दुकान से जो समझ जाए वो उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये किताबें आप मांगोगे तो मैं आपको दे भी दूंगा ऑफिस में आके। तो देखिए मैंने उस पर लिखा है कि भगवान न करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और यदि भगवान करे मैं लंबा बच गया तो मेरा क्या होगा। फिर मैंने कहा एक बार बताओ सर, आप 75 साल के हो जाओगे हैं, और आपको वो सिगरेट पी रहा था वहां पे, ठीक है। मैंने कहा आपके पास पैसे नहीं होंगे क्या, आपको अच्छा लगेगा अपने बेटे से ला मेरे लिए एक सिगरेट ला दे, कहना नहीं बिल्कुल अच्छा लगा। मैंने कहा अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो लाओगे तो अच्छा लगेगा ना, हाँ लगेगा। उसकी हमें सबसे अच्छा बीमा लगा मुझे ये, मेरी बीमे में 2.5 लाख का बीमा किया, उसका सबसे अच्छा बीमा इस साल का लगा कि जो बिल्कुल ना कह रहा था उसका बीमा कर दिया, और उसके मुंह से कहलवा के कराया। आधे घंटे बाद उसका फोन आ गया कि सर सुबह साइकिल आना, मैंने मैंने कहा पैन कार्ड आधार कार्ड,
और पैसे, बोला आप सुबह दुकान से ले लेना, सुबह 9:30 बजे उसने खुद बुला के मेरे को, ये सबसे अच्छा बीमा लगा। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, भट साहब ने इतने शानदार तरीके से बताया और है और सर इतना पूरा दिल। ये पूछनी थी सर, आप फॉलो अप को कैसे मैनेज करते हैं? फॉलो अप को देखिए, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो मैंने सीखी है और फील्ड पे अप्लाई करी है, ठीक है। मैंने वो फील्ड पे अप्लाई करी। फॉलो अप को मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे नाम नहीं मालूम किसकी वीडियो, उसने कहा फॉरगेट फॉर एक्स गो फॉर नेक्स्ट। अगर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए जिसको आप जो नाना नाना कर रहा है उसको छोड़ दो, आगे भी तो है यार, एक ही मेरे पास यही बंदा छोड़ना है बीमा करने के लिए, ये मना कर रहा है, दूसरे को पकड़ो, दूसरा मना कर रहा है, तीसरे को पकड़ो, चौथे को पकड़ो, मैं तो, मेरे को वो आई कार्ड बनाने वाले का नंबर नहीं मिला आज, इतनी प्रेशर, मैं टेंशन में हूँ। 1 साल के आई कार्ड देने बोल रखा है, अगर मुझे आई कार्ड मिल जाए ना, आई कार्ड, अब मैं जो कई बार क्या होता है, मैं सर आप नाराज मत हो ना, कई बार हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर भी सोच बैठते हैं कि यार ये तो सेल्फ मोटिवेटर कर लेगा, लेकिन उनको भी उन एजेंटों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत अच्छा करता है। अब मैं आई कार्ड, अगर मेरे को आज की डेट में आई कार्ड मिल जाए ना, मैं मार्केट में ऐसे निकलूंगा, देखो आपको खड़े होकर बता रहा हूँ, नमस्कार सर, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से आया हूँ, हमारी बहुत ही अच्छी एक बीमा जागृति अभियान चला हुआ है, वो बुक भी है हमारी LIC की छपी है, बीमा जागृति अभियान चला हुआ है सर, अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो मेरे को आप बताइए, मैं आपको समझाता हूँ। तो ऐसे आप सुनो, एक पुरानी कहावत है, हंसी तो फंसी, आप हंसी, बहुत पुरानी कहावत हम बचपन में सुनता, जो कस्टमर स्माइलिंग, अरे आप बताओ, आप 10 लोगों के पास जाओगे एक तो कहेगा कि अरे अच्छा समझाओ क्या है, किसने समझाओ कह दिया ना, समझो 25% आपका काम हो गया, फिर आप समझाओ, समझाने के सब कुछ समझाने के बाद भी अगर वो ना कर देता है कोई बात नहीं, अगली दुकान पे जाओ, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, मैं और किसी दूसरे काम में मन नहीं लगाओगे तो रिजल्ट देखो, 28 दिसंबर को मैं बहुत परेशान था, कैसा होगा क्या होगा कैसे होगा, 4 जनवरी को मैंने, बेटा बिस्तर के नीचे चेकबुक रखी है, कल तुम्हारा 50,000 का चेक काटा है, 4 जनवरी को मेरा 1,12,000 का वो आया, और मैंने कल अपनी बेटी की MAT की 50,000 रुपए की फीस भरी है। सर जी आपको कहना चाहूंगा, खंडल सर को कहना चाहूंगा, हमारे बीच में सर कुछ ऐसे एजेंट बैठे हैं ना, वो डिमोटिवेट करते हैं एजेंट। अभी हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, कुछ कुछ लोगों को बुलाया था, आपकी टीम को शायद बाद में बुलाया हो, जो कौन सी बिल्डिंग है वो, दीप जागृति एक बिल्डिंग और है, एक इसको मिला, मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग सुनने जो एजेंट आए थे उनमें से कुछ एजेंट क्या बोल रहे थे, उनकी वर्डिंग एज इट इज बोलूंगा, अरे साला बकवास करेगा, बीमा लाने को बोलेगा, अरे सारा कुछ तो इसी के लिए है, हम लोग एजेंट कंपनी का सबसे, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनी का सबसे छोटा फायदा होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण बंदा होता है, पूरी कंपनी उसकी वजह से चलती है, पूरी LIC आपकी वजह से चल रही है, लेकिन कभी भी इस चीज का, कुछ एजेंट सर सोनी सर की टीम में कुछ एजेंट ऐसे थे कहते थे अरे चाय क्यों नहीं मंगवाएंगे, बिस्कुट भी मंगवाएंगे, हमारी वजह से तो खा रहे हैं, वो बहुत सोच गलत है, निगेटिव सोच निकालो आप, वो हमारे गुरु हैं, वो कोच हैं, वो समझाते हैं तो आपके लिए ठीक है, आप अपने मन में ये, वो हम अपने मन में ये सोच सकते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरी कंपनी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की वजह से चलते हैं, लेकिन एक सेल्स ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, उनको जिस दिन सुनना शुरू कर दोगे ना आप सर, सब अच्छा होने लगेगा, लेकिन जिस दिन आप उनको सुन रहे हो और मन ही मन सोच रहे हो यार ये यही बकवास करते रहते हैं यार, 3 घंटे हो गए मीटिंग, 3:30 बजे की मीटिंग है, आप ये सोचो कभी 12:30 बजे की मीटिंग होती है, आप होते हो और वो मीटिंग स्टार्ट होते है 2 बजे, तो आप मन ही मन कहते हो गए अरे यार 2:30 ने ऐसी बजा दिए, लेकिन आप ये सोचते हो वो 2 क्यों बजे, वो 2 इसलिए बजे कि वो सारे एजेंटों को सोचते हैं कि आज यार मीटिंग अरेंज करें तो सारे एजेंट आ जाए, जो उन्हें ना सुन पाए वो भी आए, और वो अगर कुछ बोलते हैं तो वो आपको टाइम, आपको पता है एक चीज बोलूंगा, जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा क्या होता है, आज मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूँ, जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा होता है किसी को दिया गया आपका टाइम, क्योंकि अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो ना तो उसे आप अपनी लाइफ का हिस्सा दे रहे हो, समझ रहे हो, तो आप समझ रहे हो, समझ गए ना, अगर आप किसी को आधा घंटा दे रहे हो ना तो वो अपनी लाइफ का आधा घंटा दे रहे हो, तो जिस बंदे को बीमा समझाते हो उससे कहो सर ये बीमा जागृति अभियान आपको मैं वो अनमोल तोहफा दे के जा रहा हूँ, वो अनमोल, आपकी समझ में आया, मेरे से मत करवाना, आप किसी और से करवाना,
और भाई साहब जब बीमा आप उसे समझाओगे किसी और से क्यों कराएगा, मैं आपको ऐसे ऐसे अपने कस्टमर दिखाऊंगा इस एमबीआरटी में जिसका ससुर एजेंट है और 50 लाख का बीमा मैंने किया, वो अपनी वाइफ से कहता है भाई ससुर जी को मत बता देना। और एक बीमा मैं आपको भी बताया था सर, मैंने उस दिन जो गुड़गांव से लाया था, और तारीखें याद है कुछ स्पेशल बीमों की तारीख याद है, 29 सितंबर 2020 को 25 लाख का बीमा लेके आया, और बीमा लेने के बाद मैंने कस्टमर से कहा कल सर धन्यवाद आपने मुझे आज, और 8 साल से फॉलो कर रहा था उसको मैं, उन्होंने फॉलो अप की बात करी थी ना जिन्होंने पूछा था, 8 साल से फॉलो कर रहा था। तो मैंने कहा सर मैं आपको एक बहुत बढ़िया बीमा एडवाइजर, थोड़ा एजेंट सब कभी कभी अच्छा नहीं लगता तो मैं भी एडवाइजर सब यूज करता हूँ, मैं सर एक बहुत अच्छा एडवाइजर साबित होऊंगा आपको, टाइम टू टाइम याद दिलाता रहूंगा। तो कस्टमर ने मुझसे क्या कहा, उसने कहा कि 29 सितंबर की बात बता रहा हूँ सर, कस्टमर ने बोला आप बहुत अच्छे एडवाइजर नहीं, आप बहुत बड़े एजेंट बनने वाले हो, क्योंकि हमारे सगे चाचा एजेंट हैं और ये पहली पॉलिसी घर से बाहर जा रही है। अब आप बोलिए और क्या पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं सर आप पूछ भट्ट लीजिए। साहब, भट्ट साहब बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। आपने अपनी जिंदगी का बहुत ही अनमोल जो तोहफा हम सभी को दिया, यहाँ पे जितने भी साथी आए हुए हैं, आपने अपना समय निकाला, आपने अपना वैल्यूएबल संडे का समय, और वो भी मंथ एंड महीने के आखिरी दिन का समय, 31 तारीख की जो जो वैल्यूएबल समय है, जबकि आपको वो जूसर 4 पॉलिसी वाला क्वालिफाई करना है, उसके बावजूद आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो जूम वाले हैं, आपने पहली बार इस तरीके का मीटिंग अटेंड किया, थैंक यू सो मच। और ये जो जूम वाले हैं, ये क्या करते हैं कि ये मीटिंग थोड़े समय बाद मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्शन काट डालते हैं, तो मेरे ख्याल से आखिरी के मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट है, तो यदि अचानक कनेक्शन कटे तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये जो जूम सॉफ्टवेयर है तो उनका ऑटोमेटिक इस तरीके का सिस्टम होता है, नहीं, और मेरे बहुत ही कहने का शानदार। मतलब है सर एक चीज, ये ना अपने आप को कम ना समझें, ये एजेंट जो है ना बहुत बड़ी, देखो सर एक डॉक्टर अपनी चीज में निपुण है, कहाँ पे ऑपरेशन करना है क्या करना है वो जानता है, घबराए ना कोई भी एजेंट आपका, घबराए ना, जब वो तो डेमो देने जाए ना बिल्कुल निडर होकर जाए, उसे ये पता है कि किसी डॉक्टर को नहीं मालूम है कि क्या, कोई लोग अभी हो सकता है रिबेट का क्वेश्चन पूछे और वो कट जाए, कोई रिबेट नहीं होती सर, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे किसी बीमे में रिबेट नहीं गई, हाँ पुराने अगर 50 साल के आदमी की है और उसके बेटे की कर रहा हूँ तो वो बात कर देता, वो पुराने कोई कस्टमर रिबेट नहीं मांगता, हम क्या डॉक्टर से रिबेट मांगते हैं, रिबेट की भी बात पूछेंगे लोग, मैंने उनके पूछने से पहले ही बता दिया, हम डॉक्टर से कहते हैं 250 फीस नहीं दे सकता, 200 दूंगा, आप अगले बढ़ जाओ, प्योर प्योर कमाई आती है सर घर में, प्योर प्योर, मैंने इस साल 1 लाख रुपए बच्ची की फीस भर चुका हूँ इसी 1 जनवरी छोड़ने के बाद, 50 50 हजार दो कल ही काटा है सर, देखिए 50 हजार का ये भी दिखा दीजिए, बहुत कमाई है LIC में, और आने वाले टाइम में इसको मैं 10 लाख पहुंचाऊंगा सर, ये देखिए ये 30 50,000, ये देखिए ये लिखा हुआ दिख रहा है इसको, कल की डेट देखिए 1 जनवरी, छोटा छोटा दिख रहा होगा 50,000, तो सेंटर में, हमारे सेंटर पास में तो ये अमेठी से अभी जेई मेंस की कोचिंग ले रही है, मीटिंग ना करके इसलिए मैं ये बोलूंगा कि अपने को किसी से कम मत समझिए, तो तुम हो ना तो दूसरों की जैसे पहले अपनी जय करो, ठीक है सर, बस शुभकामनाएं दीजिए सर, मेरा बीमा आज निकल जाए, जूसर मिक्सर हो जाए, भट्ट हो साहब, गया। बिल्कुल आपकी आपकी शुभकामनाएं ना केवल मेरी शुभकामनाएं हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे जो इस समय जितने भी साथी आपकी ब्रांच के, हमारी टीम के जितने भी साथी यहाँ पर इस समय इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ना केवल आपके 4 बीमे क्वालिफाई हो, बल्कि 4 के बाद वो जो 9 वाला स्लैब है, 9 पॉलिसी वाला जो स्लैब है, जिसके अंदर 7 के अंदर टाइटन सोनाटा वाली घड़ी मिल रही है, आपका वो भी क्वालिफाई हो। आज का आखिरी दिन है तो आप उसको जरूर क्वालिफाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि शायद ये 2-4 सेकंड के बाद ये जूम वाले ऑटोमेटिक कनेक्शन काट देंगे, तो इसके पहले कि जूम वाले हमारा 2-4-5 सेकंड के बाद कनेक्शन काटते हैं, जरा बिटिया से जरूर मुलाकात करवाइए, क्योंकि बिटिया जो है आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है पॉलिसी बेचने के लिए, तो बिटिया से। सर यही है मैं मतलब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू गुड मॉर्निंग सर, बेटा, वेरी नाइस बेटा, आपके पापा बहुत तारीफ करते हैं आपकी, आपके पापा बोलते रहते हैं कि बहुत ध्यान रखती है, और नए नए लोगों से मिलकर आओ, नए नए लोगों से बातचीत करो जिससे आपका पॉलिसी बिके। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट। आपने 99% मार्क आप हिंदी में लेकर आए, बहुत अच्छा लगा। आपने थैंक यू सर, अपने 10th क्लास में 90% से भी ज्यादा